What's up guys, this is Ashish and I welcome you to Smartistic Me Yoga Zone. So here are mistakes to avoid with Bhastrika. हमने तीन प्राणायामास के वीडियो ऑलरेडी जो है मैं पोस्ट कर चुका हूँ, अगर आपने मिस किया होगा तो आई बटन यहीं पर है, ज़रूर देखिए। प्राणायामास जैसे भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, हमने स्टेप्स देखे, परफॉर्म किया, प्रैक्टिस किया और देखा कि इसे कैसे किया जाता है। सबसे पहला प्राणायाम जो हमने बात की थी वो थी भस्त्रिका। तो ये था भस्त्रिका जहाँ पर मैंने इंटेंस इनहेल किया और इंटेंस एक्सहेल किया। सो सबसे पहली मिस्टेक जो हमें अवॉइड करनी चाहिए भस्त्रिका के साथ कि हमें ये प्राणायाम बिल्कुल एम्प्टी स्टमक करना है। दूसरी बात कि हमें भस्त्रिका को कपालभाति के बाद करना है, लेकिन हमें भस्त्रिका को बाकी सारे प्राणायामास के पहले करना चाहिए। सो जैसे हमने देखा कि भस्त्रिका इज़ अ काइंड ऑफ इंटेंस प्राणायाम जहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है, बॉडी वार्म अप होती है, तो हमें इसे कोल्डर मंथ्स में करना है, माने कि जैसे विंटर और मॉनसून में करना है। हम सबसे बड़ी मिस्टेक अवॉइड करेंगे कि भस्त्रिका को समर में अवॉइड करेंगे। जैसे मैंने कहा कि भस्त्रिका को कोल्डर मंथ्स में नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग लो ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं, डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे हैं, या फिर जिन्हें प्रॉब्लम है लो एनर्जी का, लिथार्जी का, वो इसे ज़रूर परफॉर्म कर सकते हैं कोल्डर मंथ्स में। फिफ्थ पॉइंट जो हमें नोटिस करना चाहिए, माने कि अवॉइड करना चाहिए, कि भस्त्रिका को कभी भी नाइट में नहीं करना है, रात को बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज रात को वी आर लाइक क्वाइट लिटिल टायर्ड, कोल्ड क्लाइमेट होता है और बॉडी वार्म अप हो जाती है भस्त्रिका में। सो ट्राई टू अवॉइड भस्त्रिका इन द नाइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है डिस्कस करना, कि पीपल विथ हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट इशूज़ अवॉइड करें। सो ये थे कुछ मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड फॉर भस्त्रिका। और अब मैं बात करने वाला हूँ बेनिफिट्स के बारे में। भस्त्रिका इज़ वेरी गुड फॉर नर्वस सिस्टम। हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए भस्त्रिका बहुत ही जो है बेहतरीन साबित होता है। साथ ही साथ ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए भस्त्रिका बहुत ही अच्छा होता है। इसका और एक बेनिफिट जो है कि भस्त्रिका इज़ वेरी गुड फॉर लंग्स, जिन्हें रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि द इशूज़ विद लंग्स एंड इशूज़ रिलेटेड टू नोज़ एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनके लिए बहुत ही जो है बेनिफिशियल है भस्त्रिका। बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए, ऑक्सीजनेट करने के लिए और एक्टिवेट करने के लिए भस्त्रिका इज़ वन ऑफ द ग्रेट टूल विद प्राणायामा, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राणायामास दैट वी हैव डिस्कस्ड एंड दैट वी कैन परफॉर्म। सो गाइज, ये थी कुछ बातें भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में, थिंग्स टू अवॉइड और बेनिफिट्स। ऐसे ही बहुत सारे आसनास मैं अभी लाने वाला हूँ, क्योंकि प्राणायामास मैं ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका हूँ। जो लोग मिस कर चुके हैं उन्हें मेरी प्लेलिस्ट रेफर करनी चाहिए सो दैट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड हियर वी कैन मूव अहेड विद मोर आसनास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे हेल्दी।